भामंडल एक प्रकार का होरा होता है, हर व्यक्ति का एक होरा होता है। जैसे अपन लोग हैं, भामंडल इनका आभा, यानी भगवान का तेज कितना है, भगवान की शक्ति जब ओवर हो जाती है तो बाहर निकलती है, पापी की भी निकलती है, पुण्यात्मा की भी निकलती है। जैसे जैसे उनका होरा बनता है, एक होरा बनता है भामंडल, आज के समय पर उसको होरा बोलते हैं। इसी प्रकार भगवान का तेज इतना होता अंदर से कि वो उनके मस्तिष्क के चारों तरफ पीछे गोल बर्तुल बनता है, अपने आप वो तेज चमकता है, उसको भामंडल बोलते हैं। उस भामंडल में जब हम भगवान का दर्शन करें तो अपने भव भी दिखते हैं, सात भव, तीन भव पीछे के, तीन भव आगे के। तो जो भामंडल चढ़ाता है उसको सबसे बड़ा कौन सा पुण्य बंध होता है, उसे अपने भविष्य के संकेत मिलना शुरू हो जाते। जैसे आप सोचना चाहते हैं कल मेरा क्या होगा, जैसे आपके मन में कोई दिक्कत जा रही है कि कल क्या होगा, आप आदिनाथ भगवान को भामंडल युक्त ध्यान करो। सिंहासन नहीं, अशोक वृक्ष नहीं, भामंडल मात्र आपकी दृष्टि है भामंडल पर। भगवान बैठे हैं, भामंडल पी रहे हैं, और धीरे से घूम श्लोक पढ़ो, सुम्भत प्रभावलय भूरि विभा विभोस्ते लोकत्र ये धुतिमता मतिमाक्षपंती प्रोद्दिवाकर निरंतर भूरि संख्या द्वितिया जगत्यपि निशा। बस इसका ध्यान करो और बस उसी के बर्तुल पे देखते जाओ, आप 5 मिनट बाद शांत बैठ जाओ, रुद्र आपको तुरंत कल तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। कोई भी चीज आप भूल चुके हैं, स्मृति नहीं आ रही है, आप भामंडल से युक्त, ये जो 8 प्रातिहारे हैं इनकी सबकी अलग अलग महिमा है, अलग अलग इसकी एनर्जी है, अलग अलग इनके फल हैं। भगवान कभी एक रूप में नहीं देखना चाहिए। जैसे अभी कहा ना, जैसे एक बीमारी नहीं है, अनेक बीमारी हैं, और भगवान तो एक ही है। अब उन्हीं भगवानों को हमें कितने रूप में देख लिया, अभी उन्हीं भगवानों को हमने भामंडल रूप में देखा है बस। अब भामंडल की एनर्जी हमें अलग मिलेगी, हमें स्वस्थ होने की नहीं, धन दौलत की नहीं, और कुछ नहीं। उस समय हमारे ज्ञान का क्षेत्र बढ़ेगा और हम अतीत में जो चीज़ भूल रहे हैं उसको याद आ जाएगा, अरे वो चीज़ ऐसी है। भविष्य में क्या होने वाला है आपको तुरंत संकेत मिलते जाएंगे। बस इसकी आपको साधना करना पड़ेगी, 6 महीने तक निरंतर आप इस श्लोक को पढ़ करके भामंडल युक्त भगवान का ध्यान करो। जब अपन ध्यान करते ना तो मात भामंडल, कल्प वृक्ष वगैरह का ध्यान नहीं करना, मात भामंडल का, उसी के संबंध में सोचो, उसी के संबंध विचार करो और भगवान की मुद्रा को देखते जाओ, तो आपको भविष्य के संकेत मिलना शुरू हो जाएंगे। इतनी ताकत होती है भामंडल में।